कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक बयान के बाद गाय गर्भधारण नहीं कर पाती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाय ने एक बार भी गर्भधारण ना किया हो। किसान भाइयों, अगर आपकी गाय भी इसी समस्या से ग्रसित है तो हताश होने की कोई बात नहीं। बच्चा ना पकड़ पाना या बांझपन के कई कारण हो सकते हैं और इसका उपचार भी किया जा सकता है। तो आइए गाभिन ना होने के कारणों को समझने के साथ ही गाय की सेहत और उसके गर्भधारण करने की क्षमता में क्या संबंध है, इसको भी जान लें। पशुओं के गर्भधारण ना करने या बांझपन की समस्या के कई कारण हैं, जैसे सही समय पर गर्भित नहीं कराना, गर्मी के लक्षणों का सही से पहचान ना कर पाना, जननांगों में बीमारी होना, असंतुलित आहार देना, पशु का किसी संक्रामक रोग से प्रभावित होना। इससे बचाव के लिए पशु को उपयुक्त मात्रा में सूखे चारे के साथ साथ हरा चारा, दाना मिश्रण एवं खनिज मिश्रण अवश्य खिलाएं। पशु को समय समय पर पेट के कीड़ों की दवा भी पिलाएं। ध्यान रहे कि बच्चा होने के पहले यानी गर्भवती होने की स्थिति में गाय के पेट के ऊपर की पसलियां नजर नहीं आनी चाहिए, या फिर यूं कहें कि इस दौरान आपकी गाय पूरी तरह सेहतमंद हो तो बेहतर है। इससे फायदा ये होगा कि बच्चा देने के 2 से 3 माह बाद गाय फिर से गर्भधारण करने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक स्वस्थ गाय को एक बयान के 2 से 3 महीने बाद ही फिर से गर्भधारण करवा देना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह है कि बयान के 2 से 3 महीने के अंदर गाय की जांच पशु चिकित्सक से अवश्य करा लें। इस समय डीवॉर्मिंग, टीकाकरण, खून जांच आदि कराने से गाय के एनेमिक होने या ना होने का पता चल जाएगा। इसके अलावा मल मूत्र जांच से भी गर्म ना होने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। किसी कारणवश अगर उपचार के 2 से 3 महीने बाद भी गाय हीट में नहीं आई तो आप बछड़े को लगातार 3 दिनों तक गाय की नजरों से दूर कर दें। फिर 2 हफ्ते बाद फिर से 3 दिनों के लिए बछड़े को गाय से अलग रखें। ऐसा करने से आपकी गाय जल्दी ही गर्म होने के लक्षण दिखाने लगेगी।